नागरिकता कानून पर अजय देवगन ने तोड़ी चुप्पी, कहा वो मेरी फिल्म तानाजी को बैन कर देंगे। नागरिकता कानून को लेकर बॉलीवुड सितारे लगातार अपनी राय रख रहे हैं। कोई इस कानून का समर्थन कर रहा है तो कोई इसके विरोध में है। बीते दिनों मुंबई में हुए विरोध प्रदर्शन में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने इसमें हिस्सा लिया था। हालांकि अब तक इस पर बड़े सितारों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब अजय देवगन ने चुप्पी तोड़ते हुए इस पर अपने विचार रखे हैं। द क्विंटो दिए एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने कहा कि बॉलीवुड स्टार्स कई मुद्दों पर नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा, अगर हम कुछ कहेंगे तो किसी को बुरा लग जाएगा। अगर मैं या सैफ अली खान कुछ कहते हैं तो लोग कल जाएंगे और प्रदर्शन करने लग जाएंगे। अजय ने कहा कि वो मेरी फिल्म तानाजी को बैन कर देंगे, इससे फिल्म के प्रोड्यूसर को नुकसान होगा और इसका प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा आमिर खान और संजय लीला भंसाली जैसी हस्तियों के साथ हो चुका है। अजय देवगन ने कहा कि एक फिल्म बनाने में कई लोग शामिल होते हैं और फिल्म के नुकसान से उनका नुकसान भी होता है। उन्होंने कहा, हमें ओपिनियन बनाना चाहिए और हमारा ओपिनियन होता भी है। आधी मीडिया कुछ कह रही है और आधी कुछ और। हम बाहर जाकर कुछ भी नहीं बोल सकते। इस साल मई में अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का निधन हो गया था। दादा के निधन के अगले ही दिन निशा को सलून से हंसते हुए बाहर आते देखा गया। इसके बाद यूजर्स ने उन्हें काफी ट्रोल किया था। हाल में एक इंटरव्यू में इस पर जवाब देते हुए अजय देवगन ने कहा, बच्चे काफी रो रहे थे और पिता के निधन के एक दिन बाद उन्होंने ही बेटी को बाहर भेज दिया था ताकि उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। फोटोग्राफर सैलून में घुस गए और सवाल करने लगे, यह उनका अधिकार है क्या? मैंने उसे इसलिए भेजा ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। वो घर आई तब तक फोटो वायरल हो चुकी थी और वो बहुत परेशान थी।